हेलो एवरीवन, आज मैं आपके सामने एक वृक्ष की हत्या यानी पीयूसी सेकेंड ईयर हिंदी टेक्स्ट बुक में लगाया गया आधुनिक काव्य में जो चौथा काव्य है, इस काव्य के प्रश्न और उत्तर के बारे में बताऊंगा। और मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, उसका विवरण मैंने दिया था। और अब तक अगर आपने मेरा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका फायदा यह होगा, जो भी वीडियो मेरे आएंगे आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा, उससे पता चल जाएगा कि मेरा नया वीडियो आ गया है और उसे आसानी से आप देख सकते हैं। तो आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। और चलिए, एक वृक्ष की हत्या इस काव्य के प्रश्न और उत्तर में आज आपको बताऊंगा। और यहाँ पर मैं दर्शाता भी जाऊंगा ताकि आप आसानी से देख कर और सुन कर लिख सके। तो इसमें पहले एक अंक के प्रश्न आएंगे और एक अंक के लिए जो प्रश्न आएंगे उनका उत्तर किस प्रकार लिखना है मैं आपको एक एक करके बताता जाऊंगा। सबसे पहले एक अंक के प्रश्न के लिए आने वाला पहला प्रश्न इस प्रकार है, कवि ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? कवि ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? कवि ने बूढ़ा चौकीदार वृक्ष को कहा है? कवि ने बूढ़ा चौकीदार वृक्ष को कहा है? तो यह पहला प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न इस प्रकार है कि वृक्ष का शरीर किससे बना है? वृक्ष का शरीर किससे बना है? वृक्ष का शरीर पुराने चमड़े से बना है। वृक्ष का शरीर पुराने चमड़े से बना है। और तीसरा प्रश्न है, सूखी डाली कैसी है? सूखी डाली कैसी है? सूखी डाली राइफल जैसी है। सूखी डाली राइफल जैसी है। तो चौथा प्रश्न आपके सामने, वृक्ष की पगड़ी कैसी है? वृक्ष की पगड़ी कैसी है? वृक्ष की पगड़ी फूल पत्तीदार है। वृक्ष की पगड़ी फूल पत्तीदार है। और उसके बाद पांचवा प्रश्न आपके सामने, देश को किससे बचाना है? पांचवा प्रश्न और एक बार, देश को किससे बचाना है? देश को देश के दुश्मनों से बचाना है। देश को देश के दुश्मनों से बचाना है। और उसके बाद आपके सामने सिक्स्थ प्रश्न यानी छठवां प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है, हवा को क्या हो जाने से बचाना है? हवा को क्या हो जाने से बचाना है? तो इसके लिए उत्तर है, हवा को धुआं हो जाने से बचाना है। हवा को धुआं हो जाने से बचाना है। और इसके बाद आखिरी प्रश्न सातवां प्रश्न एक अंक के लिए इस प्रकार है, जंगल को क्या हो जाने से बचाना है? जंगल को क्या हो जाने से बचाना है? तो इसका जवाब है, जंगल को मरुथल हो जाने से बचाना है। जंगल को मरुथल हो जाने से बचाना है। तो ये रहे आपके सामने सात जो एक अंक के लिए आएंगे वो प्रश्न और उनके उत्तर। इसके बाद तीन अंकों के लिए प्रश्न आएंगे और तीन अंकों के प्रश्न के लिए कम से कम आपको आधा पृष्ठ लिखना पड़ेगा, और आधा पृष्ठ वो भी व्याकरणबद्ध, और जो विषय उसमें होना चाहिए, जो प्रश्न पूछा गया है वह विषय उसमें कवर होना चाहिए, तब जाके आपको तीन अंक के लिए तीन अंक मिल सकते हैं। तो सबसे पहले तीन अंकों के लिए आने वाला सबसे पहला सवाल इस प्रकार है, वृक्ष न दिखने पर कवि उसकी यादों में कैसे खो गए? वृक्ष न दिखने पर कवि उसकी यादों में कैसे खो गए? तो इसका जवाब है, कवि कुंवर नारायण जी अब की बार घर लौटे तो देखा वह बूढ़ा चौकीदार वृक्ष घर के दरवाजे पर नहीं है। वे बहुत उदास हो जाते हैं, उसकी यादों में खो जाते हैं। उसका शरीर पुराने चमड़े का बना था, वह बहुत ही मजबूत था, झुर्रियोंदार खुरदरा उसका तन मैला कुचैला था। उसकी एक सूखी डाली राइफल जैसी लगती थी और एक डाली फूल पत्तीदार से ऐसे लगता था कि उसकी वह पगड़ी हो। और उसके बाद, धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में, अर्थात सभी मौसमों में हमेशा चौकन्ना होकर घर की रखवाली करता था। कवि और उसके बीच एक प्रकार
से दोस्ती हो गई थी, उसकी ठंडी छाया में कुछ पल बैठकर कवि घर के अंदर प्रवेश करते थे। तो यह पहले प्रश्न के लिए उत्तर है। दूसरा प्रश्न इस प्रकार है, वृक्ष की महत्ता पर प्रकाश डालिए। वृक्ष की महत्ता पर प्रकाश डालिए, इसका जवाब यह है कि एक वृक्ष की हत्या कविता में कुंवर नारायण जी ने वृक्षों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए वृक्षों के महत्व को समझाते हैं। वृक्ष धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में हमेशा चौकन्ना रहकर चौकीदार के समान मानव की रक्षा करता है। वृक्ष मानव का दोस्त है। थके मांदे मानव को वृक्ष शांति एवं ठंडक पहुंचाता है। वृक्षों की संख्या घट गई तो बारिश नहीं होगी, जंगल मरुभूमि बन गए, निर्जन हो जाएगा इसीलिए, और जब वृक्ष नहीं होंगे तो हमें अच्छी स्वस्थ हवा नहीं मिल सकती, तो इस कारण से वृक्षों का होना बहुत ही महत्व रखता है। यह बात कुंवर नारायण जी इस पद्य में बताते हैं। तीन अंकों के लिए आने वाला तीसरा प्रश्न इस प्रकार है, पर्यावरण के संरक्षण के संबंध में कवि कुंवर नारायण के विचार लिखिए। तीसरा प्रश्न, पर्यावरण के संरक्षण के संबंध में कवि कुंवर नारायण के विचार लिखिए। वृक्षों के महत्व का वर्णन करते हुए पर्यावरण के संरक्षण के संबंध में कुंवर नारायण जी कहते हैं कि वृक्ष हर मौसम में मानव का हमदर्द बनकर उसकी भलाई करता है। हम जानते हैं कि मनुष्य को जीने के लिए जो हवा और पानी की आवश्यकता है वो वृक्ष के कारण ही प्राप्त है। पर्यावरण में प्राण वायु वृक्षों के द्वारा ही बढ़ती है, जिससे मानव आराम से सांस ले सके। वृक्ष गर्मियों में छत्र छाया बनकर हमारी थकावट दूर करते हैं। वृक्षों से ही बारिश होती है। वृक्षों को काटना नहीं चाहिए। वृक्षों के बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके बिना मनुष्य का जीना दूभर हो जाएगा, इसीलिए पर्यावरण का संरक्षण बहुत ही आवश्यक है। तो ये रहे तीन अंकों के लिए आने वाले प्रश्नों के उत्तर। अब मैं आपको काव्य में जो ससंदर्भ भाव स्पष्टीकरण होगा और उसके जो प्रश्न आएंगे उनका उत्तर मैं आपको बताऊंगा। और मैं हमेशा बताता आ रहा हूं कि काव्य में जो ससंदर्भ भाव स्पष्टीकरण के प्रश्न आएंगे उनके लिए चार अंक होते हैं और चार अंकों के आधार पर आपको उत्तर लिखना होता है। ससंदर्भ भाव स्पष्टीकरण के लिए आने वाला पहला प्रश्न इस प्रकार है, अब की घर लौटा तो देखा वह नहीं था, वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात। तो उत्तर लिखिए और उसके सामने प्रसंग लिखिए, और प्रसंग लिखने के बाद उसके सामने ही आप लिखना शुरू कीजिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक साहित्य गौरव के एक वृक्ष की हत्या नामक आधुनिक कविता से लिया गया है, जिसके रचयिता कुंवर नारायण है। और संदर्भ लिखिए, अनुच्छेद करके यानी पैरा करके संदर्भ लिखिए और उसके सामने ही लिखना शुरू कीजिए। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने उस वृक्ष को हमेशा दोस्त के रूप में माना था, जिसके कट जाने पर उसकी यादें कवि को बार बार सताती हैं। वह हमेशा दरवाजे पर बूढ़े चौकीदार की तरह तैनात रहता था। और इस उत्तर का तीसरा अंग भाव स्पष्टीकरण। तो भाव स्पष्टीकरण लिख कर उसके सामने ही लिखिए, कवि कई दिनों बाद घर लौटे तो देखा कि उसके घर के निकट जो पेड़ हुआ करता था वह कट गया है। वह पेड़ है जिसके इर्द गिर्द उसका बचपन बीता कहीं नहीं था। वह पेड़ बूढ़ा हो गया था पर ठाट उसकी हमेशा रहती थी। वह एक बूढ़े चौकीदार सा नियुक्त उसके घर की रखवाली करता था। तो यह भाव स्पष्टीकरण है और इसके बाद आपको इस काव्य की विशेषताएं लिखनी है। जो भी इस काव्य के अंतर्गत आपको समझ में आया हो तो वह आप अपने शब्दों में लिखेंगे, तो आपके लिए चार अंकों के लिए चार अंक मिल सकते हैं। तो यह ध्यान रख के आपको लिखना है।
संदर्भ भाव स्पष्टीकरण के लिए आने वाला दूसरा प्रश्न इस प्रकार है, दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशों में कहीं एक जानी दुश्मन कि घर को बचाना है लुटेरों से, शहर को बचाना है नादिरों से, देश को बचाना है देश के दुश्मनों से। तो सबसे पहले उत्तर और उसके सामने प्रसंग लिख दीजिए और प्रसंग लिखकर फिर आप आगे लिखिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक साहित्य गौरव के एक वृक्ष की हत्या नामक आधुनिक कविता से लिया गया है, जिसके रचयिता कुंवर नारायण है। संदर्भ, इस कविता में कवि ने वृक्षों के प्रति अपनी संवेदना जताई है। और उसके बाद भाव स्पष्टीकरण लिख दीजिए और उसके सामने लिखिए, बचपन से ही अपने घर पर तैनात चौकीदार वृक्ष न दिखने पर कवि उदास हो जाते हैं और उसकी याद में खो जाते हैं। कवि और उस वृक्ष का एक रिश्ता बना हुआ था, दोस्ती हो गई थी, धूप में, गर्मी में, बारिश में, सर्दी में, हमेशा चौकन्ना छायादार पेड़ के कट जाने पर कवि का क्षोभ बढ़ जाता है। वृक्षों के महत्व को समझाते हुए कवि कहते हैं, ऐसे जानी दुश्मनों से, नादिरों से, लुटेरों से, शहर को, देश को बचाना है, कवि ने स्वार्थी मनुष्य को धिक्कारा है। तो यहाँ पर कवि स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मनुष्य पर्यावरण को साथ लेकर चलना चाहिए, पर्यावरण को अगर वह बिगाड़ता जाएगा तो खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। तो इस बात पर यहाँ पर कवि ने ध्यान आकर्षित किया है। और इसके बाद आपको इस काव्य की विशेषता लिखनी है, तब जाके आप चार अंकों के लिए आपको चार अंक मिल सकते हैं। आशा करता हूँ कि यह जो प्रश्नोत्तर का वीडियो है आपको पसंद आया होगा, क्योंकि आप कभी कभार प्रश्नों के उत्तरों के लिए गाइड वगैरह रेफर करते हैं, तो उससे बेहतर है कि आप यूट्यूब के द्वारा इस वीडियो को देखें, ताकि सुनकर और देखकर इसको लिख सके। कुछ लोगों को लिखना पसंद नहीं आता, तो केवल वे सुनकर भी जाके लिख सकते हैं, तो इस कारण से यह वीडियो बनाया गया है। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यह वीडियो यही समाप्त होता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।